पांडव यानी युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव द्रौपदी के साथ वन में निवास कर रहे थे। उन सभी ने भोजन समाप्त किया ही था कि तभी वहाँ ऋषि दुर्वासा आते हैं और कहते हैं कि हम स्नान करने जा रहे हैं, स्नान के बाद भोजन करेंगे। ऋषियों का भव्य स्वागत करना राजी परंपरा रही है, किंतु अभी उनके पास ऋषि दुर्वासा को भोजन कराने का कोई प्रबंध नहीं था। ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे, यदि उन्हें समय पर भोजन नहीं मिला तो वो पांडवों को श्राप दे सकते हैं। इसी कारण द्रौपदी कृष्ण को याद करती है। कृष्ण उसी समय वहां आकर द्रौपदी के भोजन से बचा एक चावल का दाना खा लेते हैं। इसी समय ऋषि दुर्वासा और उनके सारे शिष्य को भोजन अभी समाप्त किया है ऐसा प्रतीत होता है। वे सभी बहुत प्रसन्न होकर द्रौपदी और पांडवों को आशीर्वाद देकर जाते हैं। आज से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने भगवान को हमेशा याद करना चाहिए। धन्यवाद।